नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। 2024 लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संगठन स्तर पर भाजपा बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरल के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकते हैं। बदलाव की खबरों के बीच पंजाब के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। जाखड़ कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश और मिजोरम में भाजपा की सरकार है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तेलंगाना के बीआरएस सत्ता में है। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें त्रिपुरा में पार्टी ने संगठन के जरिए सत्ता में वापसी की है। वहीं मेघालय, नागालैंड में भी वह सरकार में सहयोगी है। पार्टी को सिर्फ कर्नाटक में सत्ता गंवानी पड़ी थी। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक में नड्डा की मौजूदगी से राज्य स्तर से लेकर सरकार और भाजपा संगठन में बदलाव पर चर्चा की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम पर है। इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 6, 7 और 8 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सभी मोर्चों के अध्यक्ष क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह पहला मौका है जब भाजपा 3 क्षेत्रों में पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी के मोर्चों और महासचिवों के अध्यक्षों के साथ बैठकें करेगी। 6 जुलाई को गुवाहाटी में पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों के नेताओं की बैठक होगी। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के नेता शामिल होंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।